नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास में जो अपडेट्स है वो माल्टा के बारे में है। माल्टा के लिए काफी सारे लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि माल्टा का काम कब शुरू होगा कब शुरू होगा। फाइनली अब शुरू हो गया है। माल्टा के लिए एप्लीकेशन सबमिट होना शुरू हो चुका है। हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है और जो भी वैकेंसीज हैं उसमें से कुछ कैटेगरी ऐड भी हुई है। पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में मैंने सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में जिक्र किया था, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फाइनेंस सेक्टर में भी है और रिटेल सेक्टर में भी है। फाइनेंस सेक्टर, रिटेल सेक्टर एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट्स हैं वो 60-70% है। मीन 60-70% जो वैकेंसी होंगी वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की होंगी और जो रिमेनिंग होंगी 30-40% वो रिटेल और फाइनेंस सेक्टर में होंगी। ऑब्वियसली इसमें एंट्री लेवल और मिडिल लेवल की ही प्रोफाइल्स होंगी। सो जो लोग भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जैसे किचन हेल्पर हुआ या रेस्टोरेंट सुपरवाइजर हुआ, रेस्टोरेंट मैनेजर हुआ, फ्लोर मैनेजर हुआ, होटल मैनेजर हुआ, कुक हुआ, कॉमी वन कॉमी टू, ये जो प्रोफाइल्स के लोग हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कुछ सेल्समैन जैसी प्रोफाइल हुई या असिस्टेंट प्रोफाइल होती है या फिर इसमें लाइक मार्केटिंग के लिए कुछ प्रोफाइल्स हैं, इन प्रोफाइल्स के लिए अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली हमारे ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है। कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। माल्टा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट किसी भी रूप में चाहे वो कितना भी रिटर्न हो इन प्रोफाइल्स में हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी की तरफ से क्लियर गाइडेंस है कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। एज लिमिट 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में एज होना चाहिए। अब यहाँ पर एज लिमिट 20 से 44 साल तो होता है नो डाउट, लेकिन जो प्रायोरिटी दी जाती है वो 23 साल से लेकर 35 साल के बीच में कैंडिडेट्स को दी जाती है। 23 से 35 के बीच में जो लोग होते हैं उनको डेफिनेटली प्रायोरिटी दी जाती है और उनके फाइल के रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फाइल पुट करने के लिए हम 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में किसी भी कैंडिडेट को प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश आना कंपलसरी है। कैंडिडेट को इंग्लिश में कम्युनिकेशन मीन गुड लेवल की इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश में जैसे 5 लेवल होते हैं, एक्सेलेंट होता है, वेरी गुड होता है, गुड होता है, एवरेज पुअर होता है, तो यहाँ पर एवरेज भी नहीं चलेगा पुअर भी नहीं चलेगा, गुड लेवल का इंग्लिश होना चाहिए। गुड और वेरी गुड होगा तो बहुत अच्छी बात है, एक्सेलेंट होगा तो और उससे अच्छी बात है, लेकिन कंडीशन नहीं है कि एक्सेलेंट होना जरूरी है। गुड लेवल की इंग्लिश हो या वेरी गुड हो, इंग्लिश में कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब सिंपल ये है कि अगर कोई भी आपसे बात करे तो आपसे जो भी बात करना चाहता है वो आपको समझ में आना चाहिए और उसको आप रिप्लाई कर सको सेम सेंस में, उस बंदे को भी समझ में आ जाना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी और पासपोर्ट में जो भी वीजा लगे होंगे आपने जो ट्रैवल किया होगा उसमें से जितने भी वीजा होंगे उसकी स्कैनिंग कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटो, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन करके और एक जेरॉक्स कॉपी लेके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके हमारे ऑफिस में विजिट करेंगे और उसके बाद में इसमें एक एग्रीमेंट होता है। पहले हम असेसमेंट करवाते हैं कि आपका प्रोफाइल इन कर सकते हैं कि नहीं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर प्रोफाइल एक्सेप्ट होता है तो फिर हम उस टाइप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट के साथ में कुछ प्रोसेस फीस भी देनी होती है। उसके बाद फिर कैंडिडेट का प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर के बाद में भी कुछ पेमेंट रहता है और उसके बाद फिर उनका वर्क परमिट आएगा, VFS का अपॉइंटमेंट होगा, बाकी जो प्रोसेस होती है वो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस होगी। प्रोसेसिंग टाइम 4 से 5 महीने का होगा और इसमें सिलेक्टिव टाइम और भी लग सकता है क्योंकि अभी इस टाइम पर काम शुरू हो रहा है। सो जो लोग भी बाहर जाने के इंटरेस्टेड हो और थोड़ा वेट कर सकते हो, पेशेंस होना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर काम हो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा है। काम जरूर होगा, अगर किसी का ऑफर लेटर आया तो ये मान लीजिए उसका वर्क परमिट भी आएगा और उसका VFS में मिस अप्रूवल भी होगा, बशर्ते हम सारे चीजों को स्टेप बाय स्टेप बराबर तरीके से करें, सही तरीके से करें। सो दोस्तों जो लोग भी चाहे मेल हो फीमेल हो, क्राइटेरिया में आते हो, इंग्लिश अच्छी हो, ग्रेजुएट हो और इन प्रोफाइल्स में वो इंटरेस्टेड हो, इसमें से मैं आपको दोबारा कंफर्म करना चाहता हूँ जो भी वैकेंसीज होंगी ना उसमें से एंट्री लेवल की प्रोफाइल्स होगी या मिडिल प्रोफाइल्स होगी वो डिपेंड करता है जब हम डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे। अगर वहाँ से एक्सेप्ट होता है तभी हम उसमें फाइल एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर असेसमेंट में फाइल एक्सेप्ट नहीं होती है तो उसके बाद फिर दूसरा कोई ऑप्शन होगा वो देखेंगे, फिलहाल उसमें नहीं हो पाएगा जो वैकेंसीज अभी ओपन की है।
दोस्तों इसमें समय सीमा भी नहीं दी गई थी कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब भी अप्लाई मीन लास्ट अप्लाई करने की डेट आएगी हम उसमें आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल अभी जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं उनका प्रोसेस इन हो जाएगा, लेकिन लास्ट डेट अभी हम नहीं बता पाएंगे। सबमिशन चालू है, मंडे से भी हमारे ऑफिस में आकर डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो इसका लास्ट डेट है लास्ट डेट अभी कन्फर्म नहीं किया क्योंकि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन आज ही मिली है। सो आने वाले वीडियोज में हम आपको इसके बारे में भी अपडेट करेंगे कि इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। फिलहाल जो लोग भी इंटरेस्ट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उनका प्रोसेस उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, और जो समय अवधि लगती है 4 से 5 महीने की वो उस पीरियड में उनका काम हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्विस चार्ज के बारे में, प्रोसेस करने के बारे में, तो आप जो नंबर दिए जाएंगे उन नंबर में ऑफिस टाइम में आप कॉल करेंगे और वॉइस कॉल करेंगे, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप वॉइस कॉल या व्हाट्सएप ऑडियो कॉल या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं करेंगे। ऑफिस टाइम 11 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में सोमवार से शनिवार छुट्टी के दिन आप कॉल ना करें और छुट्टी के बाद में कॉल ना करें, और जो भी गाइडेंस दिए जाते हैं उस गाइडेंस के हिसाब से प्लीज फॉलो करें, और डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल करेंगे तो प्रॉपर स्कैन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। दोस्तों वैकेंसी कैसे लेकर पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो रिलेवेंट लोगों को भी शेयर करेंगे उससे उनको, और जो लोग भी रिलेवेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।